आ चुके हैं एक और नई 10 डेज की वीडियो में। और आज की सीरीज में आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल में कैसे फाइल को सेव कर सकते हो। और सेव करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप फाइल पे किसी फाइल पे आप वर्क के काम कर रहे हो, ठीक है, आपका वर्कबुक या वर्कशीट पे आप काम कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि आपको, मान लो कि अभी आपको इसको सेव नहीं करना, आप सेव नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप इसे PDF में कन्वर्ट करके आप प्रिंट कर लो, पर आप इसको सेव नहीं करना चाहते। इससे क्या होगा, अगर आप बाद में जाओगे एडिट करना, तो आप PDF को तो एक्सेल शीट की तरह यूज़ नहीं कर पाओगे, तो वहाँ पर आपकी दिक्कत हो सकती है। दूसरी, आपको इसलिए फाइल को सेव करना जरूरी है कि हो सकता है आप अभी यूज़ कर और आपने फाइल को सेव नहीं किया है, और आपका सिस्टम हो सकता है वो क्रैश कर जाता है, या फिर आपका रैम की कमी की वजह से हो सकता है आपका सिस्टम बंद हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो फाइल होगा वो आपका ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। इसको रिकवर करना आसान है। वैसे जो लास्ट फाइल होती है, इसमें अगर आप वर्क कर रहे हो, तो अगर आपने लास्ट टाइम सेव किया हुआ है, तो ऐसा कुछ वो टेम्प्रोरी फाइल भी ऑप्शन देता है, पर ये सारा रिकवरी में ऑप्शन आपका हो जाएगा। पर जनरली जो आपका आइडिया होना चाहिए कि आपको सेव इसलिए कर सकते हो ताकि आपका किसी भी तरह से अगर आपका एक्सीडेंटली बंद हो जाता है आपका लैपटॉप, तो आपका डाटा जो है आपका सेव रहे, और आप उसे फिर बाद में जब आपका लैपटॉप ऑन हो तो आप यूज़ कर पाओ। तो उसी के लिए हम लोग देखते हैं कि सेव आप कैसे कर सकते हो और कौन कौन सा ऑप्शन मिलता है आपको सेव में, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो आप जब भी किसी भी एक्सेल शीट को ओपन करते हो, तो ओपन करने के लिए आपको पता है कि आप एक्सेल शीट को ओपन करना और आपको न्यू वर्क पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको इस तरह का मिलता है जो कि आपने पिछली वीडियो में देखा है, और यहाँ पे आप कोई भी डाटा वगैरह एंट्री कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाटा एंट्री कर रखा है, देख सकते हो, जैसा कि अब मैं चाहता हूँ इस फाइल को सेव करना। तो इस फाइल को सेव करने के लिए आपको कहाँ पे ऑप्शन मिलता है, तो आपका ये रिबन है ऊपर में, आपको यहाँ पे एक फाइल टाइप का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देख सकते हो फाइल। तो आप जैसे फाइल को क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ब्लैंक वर्क जो आप ओपन करते हो नया फाइल क्रिएट करने के लिए, वही है। और यहाँ पे आप क्या करना है, अब आपको सेव करना है। तो सेव करने के लिए देख सकते हो यहाँ पे न्यू क्रिएट करना है, ओपन करना है किसी फाइल को, तो वो सारी चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे सेव करने के लिए देखते हैं कि आप कैसे सेव कर सकते हो। तो सेव करने के लिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको सेव बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो ये देख सकते हो, अभी रिसेंट मैं जहाँ पे सेव किया हूँ वो ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको। वन ड्राइव पे सेव करना है तो वन ड्राइव पे सेव कर सकते हो, अगर आपने इंटरनेट कनेक्शन रख रखा है और सिंक्रोनाइज कर रखा है वन ड्राइव से। तो और पर्सनली जो आप ज़्यादातर यूज़ करोगे, आप क्या करोगे, आप अपने पहले लोकेशन डिसाइड करना कि आप कौन से लोकेशन पे सेव करना चाहते हो, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो कि मैं चेक करना चाहता हूँ पहले कि मैं कौन से फाइल में सेव करूँगा, तो उसके लिए आप यहाँ से ब्राउज का ऑप्शन दे सकते हो। पर यहाँ पर अगर आप चाहते हो डायरेक्टली यहीं से ब्राउज करना, तो वो भी आप देखो यहाँ पर जैसे जिस पी सी करोगे तो ये आपका इधर ही खोल देगा ओपन, और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो जिस जहाँ पर आप उसको रखना चाहते हो फाइल को। तो ठीक है, यहाँ से आप अलग से ऐड भी कर सकते हो, तो कोई प्लेस आपको लगता है कि जो यहाँ पे आप ज़्यादातर सेव करते हो। और यहाँ से आपको ब्राउज का ऑप्शन मिलता है, तो सबसे ज़्यादा आप ब्राउज का ऑप्शन यूज़ करने वाले हो। तो जैसे आप ब्राउज करोगे तो आपको ये ओपन कर देगा फोल्डर, तो यहाँ पर आप जो भी फोल्डर है आपका वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मान लो कि यहाँ प्रोजेक्ट पर चला जाता हूँ, तो प्रोजेक्ट पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं प्रोजेक्ट पे सेव करना चाहता हूँ, प्रोजेक्ट में आप सेव कर सकते हो बुक, या फिर मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। डेस्कटॉप पे जनरली सब लोग सेव करते हैं फाइल को। तो यहाँ से मैं बुक वन और एक्सेल एक्स, तो ये आपका जो नाम होता है यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो। अब नाम लिखने का भी कुछ कंडीशन है, जैसे जो आपका नाम का मैक्सिमम लेंथ होना चाहिए वो आपका 255 करेक्टर ही होना चाहिए। और नाम भी लिखने के लिए क्या आपको कुछ स्टार वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, जिससे जनरली कुछ भी फाइल को नाम करने के लिए यूज़ करते हो। तो वहाँ पर आपका स्पेशल करेक्टर का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है, तो आप सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो जैसे आप यूज़ करते हो, फिर आप स्पेस यूज़ कर सकते हो, स्पेस के बाद आप हाइफ़न यूज़ कर सकते हो, और आप कुछ नहीं यूज़ कर सकते, बस इतनी सारी चीज़ यूज़ कर सकते हो। और हो सकता है आपका नेमिंग कन्वेंशन आप देखना क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हो, पर जनरली ये होता है ज़्यादातर स्पेशल करेक्टर जैसे स्लैश वगैरह ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, क्वेश्चन मार्क अलाउड नहीं है, तो ये सारी चीज़ आप नेमिंग में यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं सिंपली इसको बुक वन से सेव कर लेता हूँ, और तो ये आपका नाम हो गया। नाम के बाद आपको नीचे में दिख रहा होगा सेव एज टाइप, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक्सेल वर्कबुक ही रहता है, तो आप जनरली इसी में यूज़ करने वाले हो, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। पर कभी कभी क्या होता है कि आपके पास अपडेटेड वर्जन है जैसे एक्सेल का, पर किसी के पास अपडेटेड वर्जन नहीं होगा। तो अगर आप 2019 यूज़ कर रहे हो तो उसके पास 2019 नहीं होगा, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको उसको कंपेटेबल वर्जन के लिए भेजना पड़ता है। उसके लिए यहाँ पर जैसे आ जाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो अगर आपको सेव करना है, अब मान लो कि कोई यूज़ कर रहा है 2007 वाला वर्जन, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि 2007 वाला वर्जन जो है वो कोई आपको मिल जाए तो उसका उसमें आप सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो 2003 वाला वर्जन है, तो आप ये वाला वर्जन 2003 वाला वर्जन आप दे सकते हो, हो सकता है ये आपका वर्क कर जाए दूसरे वाले में, ठीक है। और आप चाहो तो XML में भी सेव कर सकते हो इसको, तो XML में बन जाएगा, या आपका CSV में सेव करना चाहते हो कॉमा सेपरेट वैल्यू, ये भी बहुत पॉपुलर होता है, तो ये आप ये भी यूज़ कर सकते हो।
ठीक है, आप डायरेक्टली पीडीएफ में सेव करना चाहते हो तो पीडीएफ में सेव करो, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा फिर भी कि आप एक्सेल एक्स में रहने दो फाइल को। उसके बाद क्या होगा कि आप अगर पीडीएफ में सेव कर दो तो फिर आप एडिट करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर इसलिए आप एक्सेल में और वाली फाइल सेट करो सेलेक्ट करोगे तो आपका ईजिली एडिट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक्सेल वर्क ही सिलेक्ट कर लेना, पर अगर आप चाहते हो कंप्यूटर में किसी को आपको देना जो आपका अपडेट वर्जन यूज़ नहीं करा तो आप दे सकते हो, क्योंकि प्रिंटेशन के टाइम या फिर आपको प्रिंट करने के टाइम हो सकता है जो फाइल आपने अपग्रेडेड वाले वर्जन में आपने सेव किया, जैसे मैंने अगर मेरा 2019 है तो इसमें मैंने सेव किया है, तो वो चीज़ें आपको दूसरे फाइल जो कम वर्जन के होंगे उसमें आपको नहीं ओपन हो पाएगी, इसलिए आप उसे कंप्यूटर के हिसाब से सेव कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो आप थंबनेल वगैरह सेव करना चाहते हो, थंबनेल वगैरह ये आपके एक्स्ट्रा ऑप्शन होंगे तो इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली इसे क्लिक करना सेव, अब ये आपका हो चुका है सेव। यहाँ पे देख सकते हो बुक वन, ठीक है, तो आपका सेव का तो ऑप्शन आप समझ गए। अब क्या करना है आपको, मान लो कि अब मैं इसमें चेंज करता हूँ कुछ, मान लो कि यहाँ पर मैं एक नया फ्रेंड ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ रीमा, ठीक है, और अब यहाँ पे मैं इसका मार्क्स वगैरह ऐड करता हूँ, यहाँ पे 34, 75, 45, 87, 87, 45 और कुछ भी रैंडम डाटा, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने इंटर कर दिया इसके मार्क्स। अब मान लो कि अब इसको आप सेव करना चाहते हो, फिर से आपको जाना है फाइल में, फाइल में जाने के बाद आपको जाना है सेव में, और सेव में जैसे जाओगे तो अब भी आपको नहीं देगा ऑप्शन सेव करने का, क्योंकि ऑलरेडी अपडेट कर देगा। अब आप चाहते हो मान लो कि एक और नेम ऐड करना है यहाँ पे, और एक और नेम ऐड करना चाहते हो मान लो उद्धव। अब यहाँ पे मैं मार्क्स यूज़ करूँगा कुछ भी, ओप्स इतना ही मार्क्स नहीं देता, पूरा अपडेट नहीं करता, मान लो कि दो मार्क्स है। अब इसको मैं एडिट, इसको मैं सेव करना चाहता हूँ। अब क्या आपको बार बार फाइल से सेव करना है? नहीं, आपको शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो टॉप में क्विक एक्सेल टूल बार है और आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सेव का, तो यहाँ से आप डायरेक्टली सेव कर सकते हो। तो आप इसको जब भी क्लिक करोगे तो ये टॉप लेफ्ट में है, तो इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपका अपडेट हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर आइडिया लग सके, जैसे देख सको आप लोग, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो तो ये जो आपका बटन है आपका सेव वाला बटन है, तो यहाँ से अभी आप डायरेक्टली एक क्लिक में सेव कर सकते हो। पर उससे ही फर्स्ट क्या होता है आपका कंट्रोल एस, ठीक है। तो अगर आपको सेव करना कोई, जैसे मान लो कि ये वाला फाइल है, ऑप्स यहाँ पे डाटा ही है तो डाटा ही देता हूँ मैं, 1995, 1987, वॉट एवर ब्रो, ओके। और अब आपको सेव करना तो बस आपको सिंपली कंट्रोल एस दबाना और ये आपका फाइल हो जाएगा सेव, ठीक है। तो कंट्रोल एस से आप सेव कर सकते हो, तो आप समझ गए कैसे सेव करना है। और अब मान लो कि आपको क्या करना है, आपको फिर से सेव करना इसी वाले फाइल को, आप चाहते हो कि अभी इसमें आप कुछ अपडेट करो पर इसका एक कॉपी बनाना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो। मान लो कि ये वाला बुक तो ऑलरेडी सेव्ड है, पर मैं चाहता हूँ इसका एक और कॉपी रहे जहाँ पे हम इसको यूज़ कर पाए, और इसमें और भी कुछ चेंजेस करना है तो वो कर पाए, पर यहाँ तक जो मेरा डाटा है वो आपका सेफ रहे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर फाइल में जाना है, आपको फाइल में जाने का सेव एज में जाना है। अब सेव एज में जाओगे तो सेम ऑप्शन मिलेगा जो आपको सेव में मिला था कुछ देर पहले, पर यहाँ पर आप एक नया फाइल क्रिएट करो, ऐसा बोल सकते हो, उसका कॉपी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आपको ब्राउज़ पर जाना है, ब्राउज़ पर कुछ सिलेक्ट करना है, यहाँ पे बुक वन की जगह मैं बुक वन इसका इसका नाम दे देता हूँ मैं कॉपी, तो यहाँ पे बुक वन कॉपी कर दूँगा। तो अब ये मेरा बुक वन कॉपी आ चुका है, और अब मैं इसमें कुछ भी चेंजेस वगैरह कर देता हूँ, ठीक है। नेम यहाँ पे मैं कुछ और रख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं नेम रख देता हूँ साहिल, और कुछ भी डाटा वगैरह, ऑप्स ठीक है, ये मैंने डाटा इंटर कर दिया। और अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, तो ये देख सकते हो कि अब ये सेव हो चुका है, कंट्रोल एस मैंने टाइप कर दिया, तो अब ये आपका फाइल जो है वो आपका अपडेट हो चुका है। इस तरह से अपडेट कर सकते हो। अब क्या है कि अगर मैं जो मेरा ओरिजिनल फाइल था बुक वन उसको मैं ओपन करूँगा, तो वहाँ पर जो साइल जो रहेगा वो आपका मेंशन नहीं होगा, तो मेरे लिए आप इसका इसी के लिए यूज़ होता है कि वो आपका जो ओरिजिनल वाला फाइल जो रहता है वो यूज़ होता है, इसीलिए आपको सेव एज यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप ओपन करना किसी फाइल को तो क्या कर सकते हो, यहाँ से अपने उसे नया फाइल क्रिएट कर सकते हो, जिस तरह से आप ब्लैंक बुक क्रिएट करते हो। यहाँ पर मैं करता हूँ ओपन, मुझे करना है तो ओपन करता हूँ। ओपन में आपको सेम ऑप्शन मिलते हैं, ब्राउज़ के प्लस के वन ड्राइव से ओपन करना, वन ड्राइव से, तो यहाँ पर सिंपली मैं ब्राउज़ करूँगा, और ब्राउज़ करने के बाद मैं सिलेक्ट करूँगा बुक वन और इसको ओपन कर लूँगा। और यहाँ पर देखोगे आपकी जो साइल वाला जो डाटा है वो आपका नहीं है, पर यहाँ पे मेरा साइल वाला डाटा दिख रहा है, ठीक है। तो आपके जो ओरिजिनल फाइल थे तो उसको उसका आपको उसी तरह एज इट इज है जैसे आपने रखा था, और आपका जो नया फाइल जो आपने क्रिएट किया वो आपका अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से आप कॉपी बना सकते हो किसी भी फाइल का और आप सेव कर सकते हो। अब मान लो कि आपको पीडीएफ में चाहिए तो क्या कर सकते हो आप,
अब तो आपके पास डाटा है, तो अब यहाँ से फाइल में जाना है आपको। फाइल में जाने के डायरेक्टली आप सेव भी कर सकते हो ऐसे। यहाँ पे सेव के बाद जाने का सेव एस करना है, यहाँ पे ब्राउज करना है, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना PDF, और PDF वर्जन में आपका ये आ जाएगा, और PDF में आप सेव कर सकते हो। पर जनरली मैं आपको बताऊँगा कि आप यहाँ से एक्सपोर्ट से भी सेव कर सकते हो PDF में, या प्रिंट से भी सेव कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, देखो जैसे एक्सपोर्ट पे जाओगे आप, एक्सपोर्ट पे आपको यहाँ पूछा जाएगा कि आपको PDF या XPS डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है या फाइल का टाइप चेंज करना है। तो अभी मैं फाइल का टाइप नहीं चेंज करना चाहता हूँ, तो आप चाहते हो आप चेंज भी कर सकते हो। देख सकते हो ये सारे इतने सारे ऑप्शन मिल गए हैं। यहाँ पे आप CSV वगैरह में चेंज करना चाहते हो, आप CSV वगैरह में चेंज कर सकते हो। पर अभी के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा PDF, तो यहाँ से मैं क्रिएट करूँगा PDF। यहाँ पे PDF आ गया ऑप्शन, देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप XPS में रखना चाहते हो, आप XPS में भी सेव कर सकते हो। और यहाँ पे book1.pdf या फिर book1.copy2 कर देता हूँ, या 2 करने की जरूरत नहीं है आपको, PDF में ऐसे ही रहेगा सेम ना। और मैं इसको सेव कर दूँगा, तो उसके बाद मैंने ओपन कर रखा था कि ये सेव होने के बाद ओपन हो जाए, तो शायद से ये ओपन हो जाए, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन रहता है ओपन फाइल आफ्टर पब्लिशिंग, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वाला ऑप्शन को चेक ही रहने दिया था, तो अभी ये ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो ये ओपन हो जाएगा आपका जो भी अपने PDF ब्राउजर यूज़ कर रहे होते हैं। अभी मैं बाई डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्राउज़र है उसमें ओपन कर रहा हूँ PDF। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको PDF जो है वो आ चुका है, और डाटा आपका एक्सेल वाला यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप समझ गए हो कि आप कैसे प्रिंट करना चाहते हो, प्रिंट भी कैसे कर सकते हो। तो बस यही था वीडियो आज का, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप कैसे सेव कर सकते हो फाइल को, कैसे आप फाइल का एक कॉपी बना सकते हो, कैसे आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली Ctrl+S से आप सेव कर सकते हो फाइल को, और कैसे आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अगर आपको PDF वगैरह बनाना है तो PDF बना के आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो ईजिली।